आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में, मुझे सुनने आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्यार दे रही हूँ। अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। एंड आज का जो व्लॉग मैं लेके आई हूँ वो आपको मेरे लुक देख के अंदाजा लग गया होगा कि ये ट्यूटोरियल किस चीज़ के ऊपर है। सो यूजली आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है वो चल रहा है बोहो स्टाइल। तो बोहो स्टाइल हेयर डूज हो गए, बोहो स्टाइल मेकअप्स हो गए, वो काफ़ी ज़्यादा आजकल ट्रेंड में है। सो आज का जो व्लॉग मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो इसी से रिलेटेड है। सो मेरा गेटअप आप देख रहे होंगे, तो मैंने एक सेमी न्यूट्रल सा मेकअप वेयर किया है विथ लाइट आई मेकअप। लिप्स को मैंने थोड़ा सा बोल रखा है, बोहो स्टाइल ज्वेलरी कैरी करी है, एंड हेयर डू मैंने बन बनाया है। जो आजकल बोहो ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा है, आप अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे, गूगल करेंगे, तो आपको काफ़ी सारे अच्छे अच्छे ट्रेंड्स मिल जाएंगे मेकअप ट्यूटोरियल्स, हेयर डूज। सो मैंने उसी बोहो वाइब्स को आप लोगों तक पहुँचाने के लिए मैंने आज का ये मेकअप ट्यूटोरियल बनाया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये जो ट्यूटोरियल काफ़ी अच्छा लगेगा होगा। अगर आप लोग ये ट्राई करते हैं, बोहो लुक सिंपल है, बहुत ही ईजी है, कोई स्टेप में आपके साथ आप लोगों का हो जाएगा अगर आप लोग ये ट्राई करते हैं, तो मुझे सोशल मीडिया पे टैग करना ना भूलें, जिससे मैं भी देख सकूँ कि आप लोगों ने मेरा ये ट्यूटोरियल देखकर कितना अच्छा मेकअप किया है। सो दैट फील्स मी प्राउड। सो बिना एनी डिले करे, जो यूजर्स मेरे चैनल पहली बार दिख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। एंड आप लोग मुझसे सोशल मीडिया पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। मैं अपने सोशल मीडिया की डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। विदाउट एनी फर्दर डिले आइए चलते हैं हमारा बोहो वाइब्स का मेकअप ट्यूटोरियल, जो मैं आप लोगों के साथ भरपूर भेज रही हूँ। सो गाइज, मैंने अपने फेस को अच्छे से सीटीएम कर लिया है। नाउ मैं अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर, और ओरिफ्लेम का प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ मैं अपने फेस में, जो एक परत बना देगा हमारी कॉस्मेटिक्स एंड स्किन के बीच में। सो अब मैं फाउंडेशन ले रही हूँ कलर पार का, एंड मैं फिंगर डैबिंग फॉर्मेट में अपने फाउंडेशन को अप्लाई कर रही हूँ फेस में। नाउ आई एम यूजिंग ब्यूटी ब्लेंडर, जिसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ अपने फाउंडेशन को स्किन में। ब्लेंडिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। आप इस ब्लेंडिंग को जितना अच्छे करेंगे आपका जो फाउंडेशन है अच्छे से सेट होगा। आफ्टर ब्लेंडिंग मैं अब अपने फेस में बेकिंग कर रही हूँ। बेकिंग इज बेसिकली मैं कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से जो मेरे क्रीज लाइन एरियाज होते हैं वहाँ पे अच्छे से अपने लूज पाउडर एंड कम्पैक्ट पाउडर से बेक कर रही हूँ, सो दैट क्रीज लाइन मेरे फेस में बहुत ही कम बने, एंड अगर बने भी तो वो बहुत ही मिनिमल तरीके से मेरे फेस में नजर आए। आई एम डूइंग द आई मेकअप। यूजली ये हमारा बोहो मेकअप है, तो इसमें यूजली आईज जो होती है वो लाइट होती है। सो मैंने लाइट ब्राउन शेड अप्लाई किया है। अच्छे से मैं क्रीज लाइन में ब्लेंडिंग कर रही हूँ अपने आई में, जो मैंने आई शेडो लिया है उसको, सो दैट मुझे आइडिया रहे कि मुझे अब जो मैं आई मेकअप करना है वो अपनी क्रीज लाइन के अंदर ही करना है। सो अच्छे से ब्लेंडिंग कर रही हूँ। ब्लेंडिंग आप चाहे फेस फाउंडेशन की करें या फिर आई मेकअप की करें, दोनों में ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये ब्लेंडिंग जितनी आप अच्छी करेंगे उतना आपका लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। सो मेरी ब्लेंडिंग हो चुकी है इस आई की। इसी तरीके से आप देख रहे हैं मेरी ब्लेंडिंग कितनी अच्छी हुई है। सेकेंड आई को भी मैंने अच्छे से आई मेकअप कर लिया है ब्लेंडिंग। नाउ व्हाट आई एम जस्ट डूइंग, आई एम टेकिंग माय, आपके पास अगर हाईलाइटर पैलेट है आप बोल ही सकते हैं, सो मैं गोल्डन हाईलाइटिंग अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहे तो आई शेडो भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्लिटर अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं दोनों आईज का जो है टीयर डक्स वहाँ पे अच्छे से अपने जो मेरा हाईलाइटर है उसको अप्लाई कर रही हूँ, जिससे मेरी आई मेकअप का लुक एकदम परफेक्ट आए, सिंपल सोबर। एंड बिकॉज हम बोहो मेकअप कर रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए मैं हाईलाइटिंग अप्लाई कर रही हूँ। अब मैंने हाईलाइटिंग किया है, सो आई मेक श्योर कि मुझे दोनों हाईलाइटिंग एंड आई शेडो में अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है, सो दैट आई मेकअप में कोई भी हार्श लाइन नजर ना आए, ना ही आई शेडो की, ना ही मेरे आई मेकअप की। अब लोअर लैश पे भी मैं सेम वही ब्राउन, लाइट ब्राउन शेड पिक कर रही हूँ, जिससे मेरी आई जो मेकअप है वो एकदम कंप्लीट लुक में नजर आए। आप चाहे तो कोई और डार्क डार्क ब्राउन कलर भी अप्लाई कर सकते हैं, मरून भी कर सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो अप्लाई स्मोकी कलर्स। सो मेरा लोअर लैश मैंने कर लिया है टाइप फॉर कंटोरिंग। कंटोरिंग में अपनी चीक बोन्स जो हमारे एरियाज होते हैं, फोर हेड होते हैं, जॉ लाइन्स होते हैं, यहाँ पर मैं अच्छे से कंटोरिंग कर रही हूँ, सो दैट मेरा जो फेशियल फीचर है वो अच्छे से शार्प लुक दे, एंड जो मेरा थोड़ा सा चिकी बिकी फेशियल फीचर है वो थोड़े से हाइड हो जाए। अच्छे से कंटोरिंग कर लिया है। कई लोग ये मिस्टेक करते हैं, फेस कंटोर कर लेते हैं बट जॉ लाइन नहीं करते हैं, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगी आप अगर कंटोरिंग कर रहे हैं तो अपने जॉ लाइन को भी अच्छे से कंटोर करें। टाइम फॉर हाईलाइटिंग, लाइट हाईलाइटिंग कर रही हूँ
मैं हाइलाइटिंग से पहले आप ये तो हाइलाइटिंग कर सकते हैं या फिर ब्लशिंग, सो वाइस वर्सा आप कर सकते हैं। सो मैंने हल्का सा ब्लशर अप्लाई किया है आफ्टर हाइलाइटिंग। सो ब्लशर मैं अपने जो आई मेकअप किया है उसके अकॉर्डिंगली पीच कलर का ब्लशर अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट जो मेरा स्टेप है हाइलाइटिंग, हाइलाइटिंग मैंने थोड़ा सा पहले भी किया था बट अभी मैं दोबारा से अपना जो मेरे हाइलाइटिंग एरियाज है लाइक फोरहेड है, नोज ब्रिज है, अपर लिप्स है, वहाँ पे अच्छे से हाइलाइटिंग कर रही हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आईलाइनर। आईलाइनर नॉर्मली हमारे जो लोगो लुक होते हैं उसमें आपने नोटिस किया होगा विंग आईलाइनर ज़्यादा अच्छी रहती है। आप चाहे तो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली नॉर्मल लेंथ कर सकते हैं, बट विंग आईलाइनर बहु लुक में काफ़ी अच्छा जाता है। तो मैं उसी लुक को ध्यान में रखकर विंग विंग्स निकाल रही हूँ अपने आईलाइनर में। तो मैंने अपने आईलाइनर में देखिए मैंने हल्की सी विंग निकाली है, इस तरह से मैंने अपने दोनों आईज को अच्छे से विंग आईलाइनिंग कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप मेरा जो होगा ब्रो को, आप ध्यान रखिए कि मैं सिर्फ एक्स्ट्रा जो मेरे गैप्स हैं उसको ही फिल कर रही हूँ, मैं ज़्यादा डार्क आईब्रोज नहीं कर रही हूँ। सिर्फ मुझे जो गैप है या फिर जहाँ पे हेयर्स कम है वहाँ पे अच्छे से मैं अपने आईब्रोज को फिल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नेचुरल लुक देना है, क्योंकि ट्राइबल ग्रुप का होता है लाइक बोगो, तो उसे को ध्यान में रखते हुए हल्का सा सिंपल सटल एंड न्यू मेकअप मुझे करना है बोगो को ध्यान में रखते हुए। दोनों मैंने आईब्रोज अपनी फिल कर लिया है। नेक्स्ट जो होता है लिप्स का, सो मैं अपने लिप्स को पहले शेप दे रही हूँ, आउटलाइन कर रही हूँ। आप चाहे तो नॉर्मल डायरेक्ट लिपस्टिक भी अप्लाई कर सकते हैं, बट गलती ये होती है कि हम नॉर्मली लिपस्टिक अप्लाई कर देते हैं बट हमारी जो लिप्स की शेप होती है वो बिगड़ जाती है। इसलिए आप हमेशा पहले आउटलाइन क्रिएट करें अपने लिप्स में, उसके बाद आप उसको फिल करिए। इससे आप देखेंगे आपकी लिप्स जो है एकदम फुलर होंगे एंड परफेक्ट शेप आपकी लिप्स को नजर आएगी। सो मैं अब अपने लिप्स को फिल कर रही हूँ। आप देखिए मेरे लिप्स को अच्छे से मैंने आउटलाइन देने के बाद इस तरह से फिल किया है। नेक्स्ट स्टेप जो होगा, दिस इज द लास्ट स्टेप जिसकी आप जानते हैं, मस्कारा। अच्छे से अपने आईलैशेस को मैं मस्कारा से फिल कर रही हूँ, सो दैट मेरा जो लुक है एकदम कंप्लीट लगे। आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप ये मेरी ट्यूटोरियल अप्लाई कर रही हैं तो मुझे टैग करना ना भूलें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड मेरे को इसी तरह से प्यार देते रहिए। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।